अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग। हम इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, हमें इस बात का इल्म होना बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। मार्केटिंग के बेसिकली तीन फंक्शन हैं। द फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के नीड को आइडेंटिफाई करना, समझना और फिर उसको सेटिस्फाई करना। सेकेंडली, एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड करना फ्रॉम कस्टमर, एक अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को कैप्चर करना, ये सेकंड फंक्शन है मार्केटिंग का। और थर्ड फंक्शन मार्केटिंग का ये है कि आप कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को कायम रख सकें। ये तीन फंक्शंस अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, द फर्स्ट वन इज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर, द सेकेंड वन इज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, एंड द थर्ड वन इज to capture value from customer। अगर तीन काम ये हो रहे हैं तो इट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग योर मार्केटिंग ड्यूटीज वेरी वेल। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मार्केटिंग का बेसिकली ताल्लुक है चैनल्स यूज फॉर द मार्केटिंग। आप जिस चैनल के जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं उसका बेसिकली इन दोनों से जो है वो एक गहरा लिंक है। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये होता है जो मार्केटर है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इन करना चाहती है, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर्स तक अप्रोच कर रही है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पर्सन, विदाउट यूजिंग एनी थर्ड चैनल, अगर वो डायरेक्टली कस्टमर से बात कर रही है अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड फेस को फ्रंट पे करूं अपने कंपनी की प्रमोशन के लिए और फिर मैं अगर मार्केटिंग करूं, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। Okay, so this is the difference between direct and indirect marketing. Direct marketing में क्या होता है, आप direct अपने customer को access करते हैं। Indirect marketing में भी आप अपने customer को access करते हैं, लेकिन face आपकी अपनी organization की internal communicators या internal customers नहीं होते हैं, आपके employees communicate नहीं कर रहे होते हैं indirect marketing में, बल्कि कोई थर्ड पर्सन जो आपकी कंपनी से बाहर का है। लाइक अगर आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से बात करते हैं, वो आप अगर आपकी प्रमोशन कर रहे हैं, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। लेकिन अगर आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज टेली मार्केटिंग के जरिए, टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपने कस्टमर को बार बार अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कॉल कर रहे हैं, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैंने लिस्ट किए हैं और इनको हम बारी बारी देखते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग की पहली एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, दैट इज ईमेल। सेकंड एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ टेली मार्केटिंग। आप कॉल करके अपने कस्टमर को बार बार याद दिलाते हैं कि भाई आपकी ये प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये है स्टूडेंट्स के आप जब डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं तो आपके पास डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। कस्टमर का डेटा होना चाहिए कि कस्टमर की इनकम कितनी है, कस्टमर किस तरह की प्रोडक्ट को लास्ट ईयर जो है वो यूटिलाइज कर चुका है और उसका रिफ्लेक्शन उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कैसा है। तो आपके पास एक डेटा बेस सर्वर होना चाहिए, एक डेटा बेस वेयर हाउस होना चाहिए जहां पर आपके कस्टमर की सारी डिटेल आपके पास मौजूद हो, ताकि आपके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग आसान हो जाए, आप अपने टारगेटेड कस्टमर को टारगेट कर सको। ओके, तो आपके पास एक डेटा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। क्योंकि इनडायरेक्ट मार्केटिंग तो जनरल पब्लिक के लिए होती है, तो यहाँ डेटा बेस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है कि आपके पास डेटा मौजूद हो। दो एग्जाम्पल्स मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। थर्डली, लोकल एरिया केबल चैनल्स, जो आपके एरिया के केबल नेटवर्क वाले भी कुछ चैनल चला रहे होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स वगैरह वो प्रमोट कर रहे होते हैं और उसमें नीचे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो लिख के दे रहे होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कोई मोबाइल फ़ोन की प्रमोशन की वीडियोस आती हैं केबल के ऊपर कि भाई इस मोबाइल में 3 सिम लगते हैं और इतना अच्छा कैमरा है और प्राइस सिर्फ जो है वो 5,000-6,000 है, अगर आपको चाहिए तो इन नंबर्स को कॉल करें, जो है वो एक स्लोगन भी चल रहा होता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या होगी, जो नेशनल टीवी चैनल के ऊपर जो बड़े एड्स चल रहे होते हैं, सर्फ एक्सेल के, यूफोन के, टेलीनोर के, तो वो क्या है, वो एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट मार्केटिंग के। क्योंकि उसमें कहीं कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखा होता कि आप यहाँ आके हमसे ये प्रोडक्ट खरीद ले, वो जनरल पब्लिक को पता होती है कि ये प्रोडक्ट हर शॉप में जो है वो इजीली एक्सेसिबल होता है। फोर एग्जाम्पल इसकी है सोशल मीडिया पोस्ट। देखिए, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डायरेक्ट मार्केटिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी हो सकती है। मैं मैसेंजर पे किसी को मैसेज करके अपनी कोई प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ। इसी तरह मैं किसी सेलिब्रिटी के फैन पेज के ऊपर अपने प्रोडक्ट की जो है प्रमोशन कर सकता हूँ, तो वो एग्जाम्पल होगी इनडायरेक्ट मार्केटिंग की।
प्रिंट एडवर्टाइज, आप पंपलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो या आप बैनर्स वगैरह लगवाते हो कहीं पर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। आप एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रहे हो तो इन सब एग्जाम्पल्स के अंदर। जबकि अगर आप इनडायरेक्ट मार्केटिंग की बात करें तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है आप जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग की एग्जाम्पल्स आपके पास सोशल मीडिया फैन पेज है। सोशल मीडिया फैन पेज पे आप ये काम भी कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। स्पॉन्सरशिप से देखिए, इनडायरेक्ट मार्केटिंग का एक और फंक्शन ये होता है कि इनडायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सिर्फ बेचना ही है। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का एक फंक्शन ये भी होता है कि आप अपने कस्टमर को अवेयर भी करें कि भाई हमारी प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं, हम इस वजह से मार्केट के अंदर अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है। अवेयरनेस भी एक पर्पस होता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग का, कि आप अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की ये फंक्शंस मजीद जो है वो इम्प्रूव्ड हैं हमारे अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। अगर हम स्पॉन्सरशिप की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर इसकी एक एग्जाम्पल मौजूद है, दैट इज HBL PSL। अगर हम PSL की बात करें तो HBL साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इससे एक पॉजिटिव इमेज जाता है बैंक का कि भाई हम सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को इन अ कंट्री। इनडायरेक्ट मार्केटिंग का एक फंक्शन ये भी है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं वर्ल्ड को, एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है और एक कस्टमर के माइंड में जो है एक गुड पर्सपेक्टिव जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। थर्डली इज नेशनल टीवी चैनल के ऊपर जो एड आ रहे होते हैं उसको टारगेट किया जाता है जनरल पब्लिक को, और उसमें कोई डेटाबेस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक कस्टमर को जो है वो टारगेट करना है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग। और फोर्थ इज अ सोशल मीडिया पोस्ट, इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। जो आपकी यूट्यूब के ऊपर जो एड्स आ रही होती हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, उसमें एक ह्यूज नेटवर्क को जो है वो टारगेट किया जाता है। अच्छा, अब इस इनडायरेक्ट मार्केटिंग में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसके अंदर कुछ हद तक डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है। आप जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सर्चिंग करते हैं यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि आप सिस्टम जो है वो एडवांस हो गए हैं और दुनिया जो है वो अपने कस्टमर को इजीली एक्सेस कर सकती हैं थ्रू गूगल और अदर नेटवर्किंग सिस्टम्स के जरिए, उनके पास जो डेटा आता है तो उससे वो अपने कस्टमर तक इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो यूट्यूब के पास जो आपके यहाँ जो नीचे चैनल के ऊपर अक्सर आप एड्स वगैरह देखते होंगे, तो वो एड एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट मार्केटिंग की, क्योंकि आप एक बहुत सारे लोगों को जो है वो उसमें टारगेट कर रहे होते हैं। ट्रेड शोज आपने देखोगे, ट्रेड शोज, वर्कशॉप्स, ये सब एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट मार्केटिंग में, कि इसमें आप किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोमोशन और कस्टमर के साथ अटैचमेंट के लिए। सो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्केटिंग। ये बेस करती है चैनल्स टू मार्केट बाय द मार्केटर एंड हाउ द कस्टमर एक्सेप्ट देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।